बात करते हैं मुंडावर की। मुंडावर कस्बे के समीपवर्ती रेणागिरी मंदिर में जगतगुरु बेनामी द्वाराचार्य बालकदास महाराज के सानिध्य में यज्ञ हवन का आयोजन किया गया। भगवान विष्णु के अवतार, धर्म एवं न्याय के मार्ग का अनुसरण करने वाले भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित यज्ञ हवन में कोरोना महामारी के प्रकोप से बचने एवं महामारी के दहशत में आए लोगों को शांति प्रदान के लिए आहुति दी गई। यज्ञ हवन में अलवर से आए पंडित संजय शर्मा ने सभी देवताओं को स्मरण करते हुए महामारी से निजात दिलाने की आहुति दी। इस दौरान जगतगुरु द्वाराचार्य बालकदास महाराज ने बताया कि हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले से निरोगी व सुरक्षित लौट कर आना भी यज्ञ हवन के आयोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जी ने भी यहाँ तपस्या करी है और अवशेष है, यहाँ कुंड है, परशुराम कुंड है और यहाँ शीतलदास जी महाराज ने भी यहाँ तपस्या की है और परशुराम जी ने भी शीतलदास जी को महाराज को दर्शन दिए और उनके बताए अनुसार ये नीचे आश्रम बनाया और ये जो जगह है आज जो है परशुराम जी का जो है प्राकट्य है उसके उपलक्ष्य में और हम कुंभ में गए थे सबकी इनकी देवताओं की हमारे जो गुरु गुरुजन हैं और परशुराम जी भगवान हैं इनकी सबकी आज्ञा से हम वहाँ कुंभ में गए थे और वहाँ से लौटने के सुरक्षित हम सब लौट के आए हैं, है ना। और इस उपलक्ष्य में जो है और दूसरा जो है सभी भक्तों के लिए जो कोरोना महामारी चल रही है इसकी शांति के लिए और सब निरोग रहें, सब खुशी रहें, उसके उसमें हमने आज छोटा सा एक अपना जो है ना प्रोग्राम रखा हमने का, जिसमें हम लोग ही थे। बाहर के सभी भक्तों को हमने कहा कि आप सब अपने घर बैठे लाइव देखें और सब अपने अपने घर में दीपक चासें परशुराम जी के नाम से, है ना। और सब यही है, इसी उपलक्ष्य में आज हमने थोड़ा सा जो है ना उनका प्रोग्राम रखा और सबकी शांति के लिए।